नमस्कार साथियों मैं हूं आपका दोस्त यम डी अख्तर और फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल के जी एन मृदा संजीवनी में साथियों आज आप लोगों के बीच में एक और कमाल का वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि बर्मी कंपोस्ट क्या है बर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद में अंतर क्या है बर्मी कंपोस्ट को हम कॉमर्शियल लेवल पर कैसे तैयार करें और वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्मी कंपोस्ट साधारण गोबर की खाद के मुकाबले ज़्यादा लाभदायक कैसे है साथियों साधारण गोबर की खाद में फंगस लगने की समस्या ज़्यादा होती है और साधारण गोबर में नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा कम होती है साथियों कच्चा गोबर में घास फूस के बीज भी रह जाते हैं जो बाद में हमारे खेत में खरपतवार उत्पन्न करते हैं साधारण गोबर में अमोनिया और मेथेन गैस ज़्यादा मात्रा में होती है साथियों अगर हम अपने खेत में ज़्यादा मात्रा में गोबर डाल देते हैं तो फसल पीलापन या बढ़ोतरी कम जैसी समस्या देखने को मिलती है साथियों कच्चे गोबर के यूज से खेत में दीमक का प्रकोप ज़्यादा बढ़ता है इसके विपरीत अगर हम अपने खेत में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं तो हमें काफ़ी मात्रा में फायदा मिलते हैं जैसे कि बर्मी कम कम्पोस्ट के प्रयोग से ना के बराबर फंगस की समस्या होती है और वर्मी कंपोस्ट में साधारण गोबर की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा होती है और वर्मी कंपोस्ट खाद के उपयोग से खरपतवार की समस्या कम होती है क्योंकि केचुआ खर पतवार के बीज को खाकर अपने पेट में पचा लेता है वर्मी कंपोस्ट लाभदायक सूक्ष्म जीवों और माइक्रोन्यूट्रिय से भरपूर होती है जो हमारी पैदावार बढ़ाने में सहायक है तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वर्मी कंपोस्ट तैयार कैसे करते हैं साथियों वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए जनरली चार मेथड का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें पहला है अपर पिट मेथड। इसमें धरती के ऊपर सीमेंट के बेड बनाए जाते हैं दूसरा है डी पिट मैथड इसमें धरती के अंदर गड्ढा खोद कर कंपोस्ट कम्पोस्ट बनाई जाती है तीसरा है यच डी पी ई मैथड इसमें पोली बैग का उपयोग किया जाता है और साथियों चौथा है विंड्रो मैथड इसमें धरती के ऊपर सीधे बेड बनाकर बर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया जाता है इसमें हमने ऊपर के तीन मेथड जो बताए हैं उसमें कुछ समस्या होती है जैसे कम एरिएशन, हवा का आदान प्रदान कम होना और बेड में गर्मी ज़्यादा बनना जिसके कारण केचुए के मरने का खतरा ज़्यादा होता है इसलिए यह चौथा मेथड, यानी कि विंड्रो वर्मी कंपोस्ट के लिए ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि इसमें बेड खुला रहने के कारण ठंडा रहता है साथियों वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है सबसे पहले हमें कच्चा गोबर चाहिए उसके बाद प्लास्टिक सीट और ईंटें केचुआ कुछ चाहिए और बेड को ढकने के लिए पुआल साथियों जो कच्चा गोबर आप लेने वाले हैं वह तीन चार दिन से लेकर पैंतीस से चालीस दिन तक का होना चाहिए ध्यान देने बात यह है कि वह गोबर सूखा नहीं होना चाहिए उसके बाद उस गोबर का ढेर बनाकर पाँच से दस दिन तक उसे पानी से ठंडा करें ताकि उसमें से मिथेन गैस निकल जाए उसके बाद बेड बनाने के लिए हमें एक समतल जगह का चुनाव करना होगा और उस पर प्लास्टिक की सीट बिछाएंगे। बेड की सामान्यतः लंबाई तीस फीट और चौड़ाई 3 से 4 फीट तक होनी चाहिए ध्यान ये रहे कि आपको वह जगह चूज करनी है जहाँ पर पानी इकट्ठा न हो उसके बाद बेड में हम गोबर डालेंगे गर्मियों में गोबर की मात्रा 1300 सौ के जी और सर्दियों में गोबर की मात्रा 1500 सौ के जी होनी चाहिए और गर्मियों में बेड की ऊंचाई एक फीट और सर्दियों में बेड की ऊंचाई दो फीट तक कर सकते हैं अब बेड बनाने के बाद हम उस पर केंचुआ डालेंगे साथियों सामान्यतः अनुपात के अनुसार 1500 सौ के जी गोबर के ऊपर 30 किलो केंचुआ डालना चाहिए केंचुआ डालने के बाद बेड को हम अच्छी तरह से पुआल से ढक देंगे क्योंकि केंचुआ धूप में अच्छी तरह तरह से काम नहीं करता बेड को ढकने के बाद उसे हर रोज़ पानी देना है बेड में कितना पानी चाहिए उसका पता हम इस प्रकार से लगा सकते हैं साथियों गोबर में अगर कम पानी होगा तो खाद केचुए की त्वचा पर चिपकी होगी और अगर बेड में ज़्यादा पानी होगा तो केचुए की स्किन सफ़ेद हो जाएगी और अगर आपके बेड में सामान्य पानी है तो केचुए का स्किन चमकीला और लाल दिखाई देगा साथियों बेड लगाने के पैंतीस से चालीस दिन के बाद आपके बेड में खाद तैयार हो जाएगी साथियों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे भी साथी को शेयर करें ताकि उसको भी जानकारी मिल सके धन्यवाद